हेलो गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोग का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक और टॉपिक, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग फटाफट। पहले क्या है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? मेंडेलीव को कहा जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स इन सर्टेन ग्रुप्स इन सच अ वे सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि कुछ एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम लोग उसको एक ग्रुप में डालते हैं, उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद क्या है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। लेवोसियर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया। दूसरे साइंटिस्ट जो इस पर काम किए वो थे डॉबर्नियर ट्राइड्स, जिन्होंने 1829 में डॉबर्नियर जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उन्होंने ग्रुप किया। उन्होंने पाया ऐसा कि पहला और तीसरा जो आपका एलिमेंट है उसका दोनों का सम का जो आपका एवरेज होता है वो आपका सेकंड वाले एलिमेंट से बराबर होता है। उसके बाद लेकिन इसमें क्या हुआ कि बट ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी कवर्ड अंडर ट्राइड्स। क्या हुआ कि कुछ ही एलिमेंट्स जो थे जो इसके अंतर्गत आपका हो पाया, क्लियर हो पाया। उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट जो आए उनका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स एंड इंग्लिश केमिस्ट प्रपोज्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बाय स्टेटिंग दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एवरी एट्थ एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट जस्ट लाइक अ म्यूजिकल नोट। मतलब कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स ने कहा कि जो अगला आठवां जो ये होगा एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बट दिस जनरलाइजेशन वाज आल्सो रिजेक्टेड बिकॉज इट कुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू द एलिमेंट्स विद एटॉमिक मास मोर देन 40। मतलब कि उन एलिमेंट्स के लिए ये आपका एक्सटेंड नहीं हो पाया जिनका एटॉमिक मास 40 से ऊपर था। उसके बाद चौथे साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था लोथर्स मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इन 1869 लोथर मेयर्स प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मास एंड ही पॉइंटेड दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजिशन इन द कर्व। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम का, ठीक है। उसमें पाया कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं आपका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है तो उनको इन्होंने एक ही कर्व में रखा। उसके बाद जो पाँचवें साइंटिस्ट जो आए थे उनका नाम था मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, जो कि मेंडेलीव्स इसमें आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पर ही ये आपका लॉ दिया था। इसका लॉ क्या, उनका लॉ क्या था देख लेते हैं। फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब कि जो आपका भूगोलिक और आपका जो रासायनिक प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स का वो आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन हो रहा है किसका, एटॉमिक मासेस का, ठीक है। मेंडेलीव अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास एंड दिस अरेंजमेंट बिकेम पीरियोडिक टेबल। उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स जितने भी डिस्कवर्ड हुए थे उन्होंने सभी को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया था, ठीक है। उसी को उस समय पीरियोडिक टेबल कहा गया। पीरियोडिक टेबल में क्या था कि जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको पीरियड्स कहते थे और जो वर्टिकल लाइन्स थे उसको ग्रुप कहा जाता था। तो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या था कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स थे आपके 7 और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आपके थे 9, जो कि 1, 2, 3 करके 8 और एक 0, तो ये हो गया आपके ग्रुप कितने हो गए, 9 हो गए। अब चलिए देख लेते हैं डिफेक्ट क्या था मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में। पहला डिफेक्ट था कि मेंडेलीव्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वॉज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस हैंड सम एलिमेंट्स अपीयर टू बी आउट ऑफ द प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। मतलब इनका जो अरेंजमेंट था वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे था, जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स जो थे वो आपका पीरियोडिक टेबल से बाहर हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसका एक एग्जांपल देख लीजिए कि कोबाल्ट जो था, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है और निकल का आपका 58.6 है, फिर भी क्या हो रहा था कि जो आपका कोबाल्ट था निकल के पहले पीरियोडिक टेबल में रखा गया था, तो ये आपका डिमेरिट था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल लॉ द आइसोटोप्स मस्ट बी गिवन सेपरेट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल सिंस दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट दे वेयर नॉट असाइंड सेपरेट प्लेसेस। इसमें क्या था कि आइसोटोप्स जो थे उनको एक अलग जगह देना था, लेकिन इन्होंने अपने जो पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने बनाया था उसमें इनमें उन्होंने अलग जगह नहीं दिया था। उसके बाद क्या है, एलिमेंट्स एज कॉपर एंड सिल्वर बियर नो रिजेंबलेंस विद एल्कली मेटल्स।
बट दे हैव बिन प्लेस टुगेदर। क्या हो रहा है कि कॉपर और सिल्वर जो है आपका एक जगह पर रखा था, जो कि इन दोनों में कोई भी ऐसा कुछ रिजेम्बलेंस नहीं था, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स विच आर केमिकली सिमिलर सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम हैव बिन प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स, मतलब कि जिनका सेम आपका जो प्रॉपर्टीज था उसको क्या क्या इन्होंने अलग करके रख दिया था। तो और उसके बाद पाँचवा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन वॉज नॉट गिवेन अ फिक्स्ड पोजिशन, इट वॉज कंसिडर्ड इन ग्रुप 1A एज वेल एज इन ग्रुप 7A बिकॉज इट फॉर्म पॉजिटिव आयन एज इन HCl एंड ऑल्सो नेगेटिव आयन इन NaH। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन को जो था ना ये इन्होंने ग्रुप 1A में भी और ग्रुप 7A में भी रख दिया, क्योंकि वो जो थे आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है HCl के साथ और नेगेटिव आयन फॉर्म करता है NaH के साथ, इसीलिए इन्होंने 1A और 7A दोनों में रख दिया था। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बिकेम इमेंसली पॉपुलर, क्या हुआ कि बहुत पॉपुलर हो गया इनका जो पीरियोडिक टेबल था, सो ही वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपको याद रखना है कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है, तो मेंडलीव्स को कहा जाता है। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 101 हैज़ बिन नेम्ड एज मेंडलीवियन इन द ऑनर ऑफ मेंडली, मतलब क्या हुआ कि जो एक एलिमेंट है मेंडलीवियन उन्हीं के यादगार में ये नाम रखा गया, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 101 है। अब देख लेते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वॉज गिवन बाय मोजले के द्वारा दिया गया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था, और मेंडलीव का किस पे था, तो एटॉमिक मास के बेसिस पे था। इसमें जो था पीरियड्स की संख्या 7 थी और आपके ग्रुप्स की संख्या 18 थी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो था आपका जो सेल्स में कैसे सेट किया जाता था, तो पहले जो आपका ऑर्बिट था जो आपका जो सेल है उसमें 2 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में 8 है, चौथा में 18, पाँचवा में 18 और छठा में आपका 32 था, ठीक है। इस तरह से आपका सेट किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है क्लासिफाइड था SPD ब्लॉक में, SPDF में। S में जो था वो आपका एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रखा गया था। P ब्लॉक में क्या था, चालकोगेंस, पिकोगेंस, हैलोजन्स और इनर्ट गैसेस को P ब्लॉक में रखा गया था। D ब्लॉक में आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया था। F ब्लॉक में आपका इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया था। उसके बाद क्या हुआ, द पीरियोडिक टेबल शोज 2 हॉरिजॉन्टल रोज ईच कंटेनिंग 14 एलिमेंट्स एट द बॉटम। द फर्स्ट रो कंटेन्स द 14 एलिमेंट्स फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 58 टू 71 एंड इज कॉल्ड द लैंथेनाइड्स सीरीज। मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टली एक रो था आपका जिसमें 58 से 71 तक, उसको लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। और एक और रो था आपका सेकेंड रो 14 एलिमेंट्स का, वो भी है आपका 90 से 103 तक था, और 100 इसको एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैविंग द सेम नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट बट इन अ ग्रुप नंबर, मतलब कि एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैविंग सेम नंबर ऑफ सेल्स बट इन अ ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स चेंजेस, मतलब क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स जो आपका सेम सेल्स में है, जरूरी नहीं है कि आपका ग्रुप सेल्स भी आपका सेम होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या था। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, पहला क्या है, एटॉमिक रेडियाई है। इसका मतलब क्या होता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस क्या है, आपका जो सेंटर का जो न्यूक्लियस है वहाँ से जो आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होगा उसी को एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट, हाउएवर इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स सच एज कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई एंड वेंडरवॉल्स रेडियाई। द साइज ऑफ दिस एटॉमिक रेडियाई आर एज फॉलोज, पहला है वेंडरवॉल रेडियाई, सेकेंड है मेटेलिक रेडियाई और तीसरा आपका कोवेलेंट रेडियाई। मतलब क्या है कि हम लोग जो आपका एटॉमिक रेडियाई है उसको हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग तीन फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बाएं से दाहिने जाने पे आपका कम होता है और इन द पीरियड एंड इंक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। मतलब कि एटॉमिक रेडियाई जो है आपका बाएं से दाएं जाइएगा तो आपका वो ग्रुप पीरियड होता है, और पीरियड का मतलब होता है आपका लेफ्ट से राइट, और ये आपका डिक्रीज करता है। उसी तरह से आपका अगर ऊपर से नीचे जाइएगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। उसके बाद आयनिक रेडियाई क्या होता है, द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप टू विच इट्स इफेक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज द आयनिक रेडियाई। मतलब कि जो आपका न्यूक्लियस का जो सेंटर है वहाँ से उसका कितना दूर तक इफेक्ट है उसी को आपको आयनिक रेडियाई कहते हैं। और साइज ऑफ एन आयनिक रेडियाई एनाटॉमिक न्यूक्लियस
आर एज फॉलो, इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। पहला है एनायनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और कैटायनिक रेडियाई, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। एनायनिक आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर वही है कि आपका लेफ्ट से राइट जाइएगा पीरियड में तो आपका आयनिक रेडियाई जो आपका डिक्रीज करता है, और अगर टॉप से बॉटम जाइएगा ग्रुप में तो आपका इंक्रीज करता है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन एलिमेंट, क्या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको ज़रूरी चाहिए ताकि आप किसी एटम को उसके पोजीशन से निकाल सकें, ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी क्या हो रहा है आपका उल्टा हो रहा था, वहाँ डिक्रीज़ कर रहा था आपका आयनिक रेडियाई और आपका एटॉमिक रेडियाई जो आपका लेफ्ट से राइट डिक्रीज़ कर रहा था, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है आपका लेफ्ट से राइट आपका इंक्रीज़ करता है और टॉप से बॉटम आपका डिक्रीज़ करता है। इसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका आपका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल और ईवी पर एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब कि ये आपका एक तरह का एनर्जी रिलीज होता है जब आप किसी एक्स्ट्रा एटम को उसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही कहलाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। उसके बाद क्या है, इसका जो आपका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, आपका किलो जूल पर मोल होता है या ईवी पर एटम होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है आपका इंक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एंड डिक्रीजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम फॉर अ सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि आपका टेंडेंसी एटम को अट्रैक्ट करने का, शेयर करने का ताकि एक बॉन्ड बन सके, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो होता है वो है आपका फ्लोरीन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है ई एन इजिकल टू आई पी प्लस ई ए बाई 5.6। उसके बाद ई एन आपका यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। आई पी क्या होता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, और ई ए क्या है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ठीक है। फॉर द आयनिक कंपाउंड ई एन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1.7, अगर आपका आयनिक कंपाउंड है तो आपका ई एन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.7 से अधिक हो जाएगा। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो ई एन वैल्यू आपका 1.7 से कम हो जाएगा। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो ई एन का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, फिर से क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है आपका बाएँ से दाएँ आपका इंक्रीज़ कर रहा है, टॉप से बॉटम आपका डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि खाली जो आपका एटॉमिक रेडियाई है और जो आयनिक रेडियाई है वही आपका जो है आपका लेफ्ट से राइट में क्या होता है, डिक्रीज होता है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपका इंक्रीज करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स इज नोन एज लैटिस एनर्जी, मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जब आपका वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो उसमें बनने में क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होता है, उसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इन टू वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब कि जब एक मोल ऑफ कंपाउंड जब पानी में जब डिजोल्व करता है तो कुछ एनर्जी उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी देन द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, एंड इफ द हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन द लैटिस एनर्जी देन द कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि जब आपका हाइड्रेशन एनर्जी जो आपका लैटिस एनर्जी से अगर अधिक है तो आपका कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर आपका हाइड्रेशन एनर्जी आपका लैटिस एनर्जी से कम है तो आपका कंपाउंड जो आपका वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो चलिए आज यहीं तक देखते हैं, अगले दिन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से देखेंगे हम लोग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे की वीडियोस जल्दी आपके लिए कंप्लीट कर सकूं। चलिए तो थैंक यू वेरी मच।